हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3050 का एक बहुत ही सुंदर सा फ्लोर प्लान जो कि ईस्ट फेसिंग है। बंगलो मेकर्स ने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझकर एनालिसिस किया और उसके बेस पर एक सुंदर सा फ्लोर प्लान डेवलप करके दिया है जो कि पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरी तरह से। इसमें सबसे पहले मेन एंट्रेंस हमने प्रोवाइड किया हुआ है, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, हमने इसको मेन एंट्रेंस दिया। और साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा गार्डन है, छोटा नहीं बोलेंगे इसको, ये हालांकि बहुत अच्छा साइज़ का गार्डन है। क्लाइंट की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी कि हमें फ्रंट में बहुत सुंदर सा एक गार्डन चाहिए, तो वो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट साइड में एक पार्किंग है जिसमें हम एक सेडान कार भी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से लग के ही हमने एक छोटा सा फॉयर एरिया दिया है और स्टेयर केस दिया है, वो भी वास्तु के अनुसार है, जहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। फिर हम मेन डोर MD के थ्रू अंदर इंटर करते हैं। मेन डोर का भी साइज़ 4 फीट का है, काफ़ी सफिशिएंट साइज़ और अच्छा लेविश लुक देता है। उसके बाद में हमने इंटर किया ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम बेसिकली 14 फीट बाय 12 फीट का है, जिसमें काफ़ी अच्छा सिटिंग सोफ़ा अरेंज हो सकता है, सेंटर टेबल हो सकती है अरेंज, और सिटिंग काउच लग सकते हैं। साइड टेबल और सेंटर टेबल के साथ में हमने इसे प्रोवाइड किया है। एक फ्रंट में ही LED TV का अरेंजमेंट प्रोवाइड किया हुआ है हमने, और एक वॉल पार्टीशन है जो कि डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया को सेपरेट करती है। 6 सीटर का एक हमने बहुत ही सुंदर सा लिविंग कम डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। वहीं पर हमने कॉर्नर में एक पूजा एरिया भी प्रोवाइड किया हुआ है। फिर हम एंटर करते हैं किचन की तरफ। किचन बहुत अच्छा साइज़ है, 10 फीट बाय 10 फीट 4 इंच का, जिसमें हमने हॉब की और सिंक वगैरह की पोजिशन, फ्रिज की पोजिशन सभी वास्तु के एनालिसिस करके ही रखी हुई है। किचन से लग के ही हमने साइड में एक वॉश एरिया प्रोवाइड किया हुआ है और वहीं पर एक OTS भी है जहाँ से वेंटिलेशन प्रॉपर पूरे घर में बना रहे हैं। फिर हमने किचन से ही किचन के लिए एक स्टोर डेवलप करके दिया है जो कि बहुत अच्छे साइज़ में और घर किचन का बेसिक यूटिलिटी सामान उसमें रखा जा सकता है। हॉब के सामने ही एक किचन विंडो का प्रोविज़न है जिससे हम वेंटिलेशन पूरे घर में प्रॉपर बना रहे हैं। किचन में आप देख सकते हैं कि 2 विंडोज़ प्रोवाइड की हुई है हमने, जिससे कि बहुत खूबसूरती बनी रहेगी। और डाइनिंग कम लिविंग एरिया है ये, इसी में हमने कॉर्नर सोफा का अरेंजमेंट भी किया हुआ है और LED पैनल का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने एक घर के 2 पार्ट करते हुए दोनों साइड में मास्टर बेडरूम्स के अरेंजमेंट किए हुए हैं, जो कि क्लाइंट की नीड थी कि मुझे 2 BHK चाहिए और बैक साइड में ही रहेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 डोर प्रोवाइड किए हैं। एक तो मेन कॉमन टॉयलेट की तरफ एंट्रेंस होता है, दूसरा लेफ्ट साइड में एक मास्टर बेडरूम है, और तीसरा राइट साइड में एक मास्टर बेडरूम है। दोनों बेडरूम का साइज़ बहुत सफिशिएंट साइज़ है। इन बेडरूम्स में हमने एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ का किंग साइज़ बेड अरेंज किया हुआ है। साइड में सिटिंग के लिए एक सिटिंग काउच भी लगा हुआ है। फ्रंट में LED पैनल लगा हुआ है। 12 बाई 14 फीट का बहुत ही सुंदर सा एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। इसमें क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग एक ड्रेसिंग प्रोवाइड किया हुआ है 6 फीट 2 इंच बाय 4 फीट का। उसके बाद में ही हमने यहाँ पर अटैच टॉयलेट दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छे साइज़ में है, 8 फीट बाय 4 फीट का। फिर हम दूसरे बेडरूम में आते हैं। दूसरे बेडरूम का साइज़ भी 12 फीट बाय 14 फीट का है। एक ड्रेसिंग है, हमने इसको मिरर किया हुआ है, ड्रेसिंग है सेम साइज़ का, और सेम साइज़ का एक टॉयलेट है। तीनों कॉमन टॉयलेट और दोनों अटैच टॉयलेट को वेंटिलेशन देने के लिए, और दोनों बेडरूम्स में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने बीच में एक OTS एरिया प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ओपन टू स्काई, जो कि सफिशिएंट साइज़ में है और जिससे पूरे घर में टॉयलेट्स में वेंटिलेशन बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था एक 3050 का ईस्ट फेसिंग का ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान का एक्सप्लेनेशन। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। इस तरह के और भी फ्लोर प्लान्स हम आपको बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एलिवेशन भी आपको दिखाएंगे और उसका वर्किंग ड्राइंग भी, खासकर किस तरह से उसको बनाना है एलिवेशन को, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।